वही दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। इसी बात पे बनती है तालियां, मारो भाई। मैं हूं ना सोलो तो मैं ही मारूंगा। यस। भाई थोड़ी सी जान में जान आई गाड़ियां देख के ना, एक दो। अरे ये क्या आ रही है भागते, अरे तेरी ये क्या भागते आ रहे हैं। और बेटा एडवेंचर एडवेंचर बोल लो भाई। मैं तो डस्टर ले रहा हूँ और ऐसी तैसी हो रही है इस रोड पे। ये तो फिर भी स्विफ्ट और पोलो ले रहे हैं, हिम्मत है यार इनकी। जान में जान आई भाई, जान में जान आ गई। ओ गॉड, व्हाट एन डिजास्ट्रस डिसीजन। जो मैं गूगल मैप की बात मान लिया मेन हाईवे छोड़ के, अब ये NH 748 पे आ चुका हूँ मैं। अब तो भैया ना छोड़ूंगे सर, कितने भी शॉर्टकट दिखा ले। देखो जी, सारा जोल ना समझ आ गया। मतलब मैं अभी थोड़ा रुका था, बैठा था, तो मैं ये देख रहा था कि हुआ क्या, मतलब कहाँ गड़बड़ हुई। तो पेलोलम बीच से ना वैसे नॉर्मल पंजिम होते, वो नॉर्थ गोवा होते निकल जाओ मेन हाईवे जिससे हम आए थे, वो बेटर है, उससे आदमी नहीं खोएगा। बीच में कट्स वट्स बहुत हैं, मैं किसी कट से मुड़ गया है ना, गूगल ने बताया। और वो इंस्टेड ऑफ, मतलब गोवा से डायरेक्ट महाराष्ट्र लिंक होता है, कोल्हापुर है ना, कोल्हापुर मुझे पहुंचना चाहिए था, मैं चला गया बेलगावी। मैंने सोचा कि यार रास्ता अच्छा है, अलग सा है, चलो ठीक है, बट कर्नाटका के थ्रू गया। अब ये है कि ये वाला जो हाईवे है, मतलब 100 किलोमीटर उस टर्न पे जहाँ से मैंने राइट लिया था जब मैं गोवा गया था, तो उस पे निकलता मैं, है ना। पर ये मतलब पीछे को उसने निकाला यार, तो डिस्टेंस का फर्क तो पड़ा होगा। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा पता ही क्या थी, वो चलो बेलगावी से ले गया जो भी है, ये अब है दिक्कत की वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी ना वहाँ पे, रोड पे ना मतलब गाड़ी चलाने लायक रोड नहीं है वो। मतलब कोई सेडान, मतलब पोलो और जो स्विफ्ट थी वो 10-15 से ऊपर नहीं चल पा रही थी वहाँ पे, इतनी बुरी हालत थी। मतलब वाकई कैसे ना कैसे करके यार चलो ठीक है वहाँ तक, मतलब सही। अब जो भी है यार, जैसा भी है, उससे निकलना बड़ा इम्पोर्टेंट था। मैं दिमाग भी ना फूक जाती है एकदम से देख के, यार ये क्या है।
जैसे जैसे वो फिर NH क्या था, NH 748 इस पे जाके मिला, और अगर मैं प्रॉपर रास्ते से आता तो NH 48 पे डायरेक्ट मिल जाते जाके। और वही रास्ता रिकमेंड करूँगा सबको भाई, ये रास्ता तो भाई मतलब ठीक है यार, कोई बंदा थार थूर लेके आया है, उसे ऑफ रोडिंग करने का मन है, जरूर जाओ यार, बट गाड़ी की लगती है वाट ना, मैंने देखा है सस्पेंशन वगैरह सब सफ़र करते हैं, शॉकर वॉकन, बस नेटवर्क नहीं है रास्ते में। आप ये देखो कि उस रास्ते में नेटवर्क नहीं है आधे पौने घंटे के लिए, तो किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते भाई, कुछ हो जाए कुछ है ना। और हेल्प तो छोड़ी तो कुछ आनी है, जानवर जरूर आ जाएगा आपकी हेल्प करने, और कुछ नहीं आएगा वहाँ पे। मतलब ठीक है अगर आप तीन चार लोग, तीन चार गाड़ियाँ जा रही हैं ना, फिर भी चलो चांस ले सकते हो, अकेला जैसे मैं हूँ ना, मेरे को नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी, कोई रोड साइड हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ क्या कैसे है ना, तो ये दिक्कत है। तीन चार गाड़ियां जा रही हैं साथ में, ठीक है भाई, सबसे कोई भी रास्ता ले लो, पता है कि भाई और हेल्प हो जाएगी, अकेले में क्या हेल्प होगी, कुछ नहीं ना। पुणे पहुंचने वाले हैं मतलब 20 मिनट, अब है अच्छी वाली संतुष्टि, मतलब मैं बोलते भी मैं पॉज हो गया, मतलब जब वो जंगल में भटक रहा था ना सवेरे, क्या नाम भी उसका मैं भूल गया जो भी था वो, भाई गूगल मैप 11:30 दिखा रहा था, मैंने कहा यार, और नहीं जब चला था एक्चुअली साउथ गोवा से तो 11:45 था, तो बड़ा गुस्सा आया था, बिकॉज 2 ढाई घंटे 2.5 घंटे चलने के बाद मेरा 1.25 घंटा बढ़ गया, ऐसा बड़ा रेयर होता है। भैया टॉल दे के निकल लिए हैं, निकल पड़ रहे हैं यार पुणे से ना, लेट हुए 10:30 हो चुके हैं, गले में हिचकिचाहट सी है। वैसे आज ज़्यादा कुछ है नहीं, वापसी है तो इंदौर पहुँच जाए फिर देखते हैं, ठीक है क्या करना है क्या नहीं। ये भाई एक्सप्रेसवे से तो नहीं ले जा रहा,
कोई दूसरा रास्ता है शायद छोटा है उससे ना, क्योंकि उसमें मुंबई आएगा बीच में और मुंबई को पार करने में ही साला दिमाग खराब हो जाएगा। तो अच्छा है कभी कभार, कल इसने दिमाग खराब किया है वो पुल, अभी मैं उसको चढ़ा नहीं रहा गूगल मैप को रामपुर को। राम ने कल बहुत दिमाग खराब किया था मेरा, बट ये है कि आज ये उसने मतलब अच्छा रास्ता लग रहा है। ये भी कोई वो नहीं है एक्सप्रेस वे है, नहीं कोई नहीं हम बना देंगे इसे एक्सप्रेस वे है। यहाँ से क्या से 162 है। सो अच्छा ही है मुंबई यार, बीच से स्किप विप हो जाए ना बहुत बढ़िया है बहुत। नहीं तो उसमें अभी या तो सवेरे सवेरे निकल जाओ एक्सप्रेस वे वाले रास्ते से ना 5-6 बजे है, तो बढ़िया है, नहीं तो भाई फंसो गई फंसो। एक इंटरेस्टिंग बात है भाई यहाँ पे ड्राइवर के, ट्रक और लॉरी की। एक ट्रक ड्राइवर 20 पे चल रहा है, दूसरा सोचता है कि मैं 30 पे चलूंगा, तो भाई उसे ओवरटेक करने में वो 15-20 मिनट लगा देता है बेवकूफ। अब एक ही लाइन में चल लो, पता नहीं इनके अंदर आत्मा आती है, एक के पीछे चल रहे होते हैं, नहीं जी मैं अपनी 5 किलोमीटर बुला लेता हूँ स्पीड है, दिमाग खराब कर देते हैं यार ये। यस यस आप मानोगे नहीं, 4 घंटे पहले पहुंच गया हूं भाई इंदौर में पुणे से। ये मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया, खुशी तो है भाई। आज रास्ता जो लिया है ना भाई सवेरे, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, ऑसम ऑसम डिसीजन, खुशी है खुशी भाई। 11 बजे दिखा रहा था सवेरे, अभी 7 बजने में कुछ मतलब सिटी ऑलमोस्ट एंटर होने वाला हूँ, बट मज़ा आ गया भाई मज़ा। सही है सही है। चलो जी, बैटरी बैटरी डाउन हो चुकी है सारी इसकी, पता नहीं ऑफ हो जाएगा, बट चलो इंदौर पहुँच गए एंड अब कॉफ़ी शॉफी पी के ना फिर मिलते हैं जी, ठीक है जी, ओके। गुड मॉर्निंग, उठ गए हम आज। आज ना वही रूट तो लेने का मन नहीं है, ग्वालियर वाला। मैं सोच रहा हूँ राजस्थान से होते हुए चलें दिल्ली वापस ना, कुछ हटके होगा कुछ अच्छा ही होगा है ना। राजस्थान से होके निकलते हैं, 9 बज गए हैं, तो आज की जर्नी इतनी बड़ी नहीं होगी जितनी कुछ दिनों से हो रही है ना, क्योंकि 390 किलोमीटर्स है। चलो जी चलते हैं, मतलब वापसी का लास्ट डे है, कल तो दिल्ली होंगे ही होंगे। चलो जी ठीक है, ओके यो। अच्छा ये रूम है, रूम मेरा ये मैंने जार्डिन होटल लिया था, ऐसा सा है, अच्छा है। और सारे बुक थे तो ये मिल गया, बहुत बढ़िया है। बाकी पैक शेक करके निकलते हैं जी, फिर आपसे मिलते हैं, बाय। उज्जैन आ गया उज्जैन, यहाँ पे भी जाना था यार, टाइम कंस्ट्रेंट रहती है चीज़ों की ना। विंडमिल है, विंडमिल ही विंडमिल है जी, ये तो बड़ा प्यारा रास्ता है यार, वाओ। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है भाई, ये एक टेंशन वाली चीज आ गई। अरे पता नहीं क्या हुआ, अच्छा खासा चल रही थी गाड़ी और ये दो साइन आ गए हैं, वार्निंग साइन भी हो सकते हैं सेंसर के और वाकई भी जेन्युइन हो सकते हैं, कुछ आइडिया नहीं है, दिखाना पड़ेगा किसी को ना। चलो लेट्स सी यार,
पता नहीं यार, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। चलो देखते हैं। होटल हाईवे कहीं जयपुर जो जाता है वो यहाँ ना, यहाँ ना रुका हो तो समझ लो ये हवेली है, जैसे पंजाब में हवेली होती है वैसे जयपुर वाले स्टेट पे, जयपुर तक ही है वैसे ये, जयपुर के आगे नहीं आता। आई होप ये ना पढ़ना चाहिए, मतलब उदयपुर जोधपुर तक अच्छी रेंज बन सकती है, गाड़ियाँ रुकती रुकती हैं इस पर ना। मैंने भी हॉल्ट ले लिया, जल्दी तो कोई है नहीं यार पहुँचने की ना, ऐसी है जल्दी तो बहुत कर ली, तो चाय चाय पी लेते हैं फिर देखते हैं। भाई दिल्ली पहुंच गए, इसी बात पे बनती है तालियां, मारो भाई। मैं हूं ना सोलो तो मैं ही मारूंगा। यस होती है ना यार एक खुशी होती है। सफर ये शुरू हुआ था कहाँ से, नोएडा साइड से, और निकले हम गुड़गांव साइड से। वाह जी वाह, सोचा क्या सोचा और क्या निकला।